हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत दिसंबर टर्म में एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी जून टर्म में एग्जामिनेशन 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यहाँ पहला है q क्रॉस q, दूसरा है q एक्स वाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3, तीसरा है सी एक्स वाई ब्रैकेट x प्लस 7। तो यहाँ सबसे पहले नंबर को चेक करते हैं, q क्रॉस q को यहाँ लिखेंगे, q क्रॉस q इज नॉट अ फील्ड वाइल q इज अ फील्ड, हेयर फॉर बींग फील्ड एक्सटेंशन ऑफ q, q क्रॉस q शुड बी अ फील्ड एंड q शुड बी इट्स सब फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो q क्रॉस q इज नॉट अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ q। ठीक है, यहाँ पर q क्रॉस q को q का फील्ड एक्सटेंशन होने के लिए q क्रॉस q को भी क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए, जबकि वह एक फील्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमें q क्रॉस q को फील्ड होना चाहिए था, और उसके बाद q को उसका सब फील्ड होना चाहिए था, तब हम कहते कि q क्रॉस q जो है q का एक क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि q क्रॉस q नहीं एक फील्ड है, और जब यह एक फील्ड नहीं है तो उसके बाद तो फिर हमें उसका सब फील्ड चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि q को q क्रॉस q का सब फील्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि q क्रॉस q जो है q का फील्ड एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद दूसरा, q एक्स वाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3, तो इसमें लिखेंगे सिंस 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स माइनस 6, 3 डिवाइड्स 0, 3 डज नॉट डिवाइड 2 एंड 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 3, देयरफॉर 2x³ माइनस 6x प्लस 3 इज इरिड्यूसिबल इन qx। अब सिंस इफ एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन एफ एक्स, देन एफ एक्स बाई ब्रैकेट एफ एक्स इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, इस रूल के अनुसार हम कहेंगे देयरफॉर क्यू एक्स बाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3 इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू। ठीक है, चूँकि 2x³ माइनस 6x प्लस 3 क्यू एक्स में इरिड्यूसिबल है, इसलिए हम इस रूल के अनुसार क्या कहेंगे कि क्यू एक्स बाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3 क्या है, q का एक फील्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, इसमें भी चेक करते हैं, लिखेंगे सिंस x प्लस 7 इज ए लीनियर, x प्लस 7 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देयरफॉर इट इज इरिड्यूसिबल इन सी एक्स एंड हेंस सी एक्स बाई ब्रैकेट x प्लस 7 इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ c। ठीक है, सी एक्स में हमें इरिड्यूसिबल होने के लिए पोलिनोमियल को क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो चूँकि यह लीनियर है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह क्या है, सी एक्स में इरिड्यूसिबल है एंड हेंस सी एक्स बाई ब्रैकेट एक्स प्लस 7 इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ सी। ठीक है, अब अगेन सिंस सी एक्स बाई ब्रैकेट एक्स प्लस 7 इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ सी एंड सी इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, देयरफॉर सी एक्स बाई ब्रैकेट एक्स प्लस 7 इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्या, क्यू। ओके, इसके बाद हम इस क्वेश्चन में हमें यह भी कहा गया है कि जो जो फील्ड एक्सटेंशन है क्यू का, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बताया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड एंड इट्स एक्सटेंशन आर सेम, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यू एक्स बाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3 एंड सी एक्स वाई एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 7 आर जीरो। कह रहा है कि किसी फील्ड का और उसके एक्सटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, समान होता है, इसलिए फील्ड एक्सटेंशन क्यू एक्स वाई ब्रैकेट 2x³ माइनस 6x प्लस 3 और सी एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस 7, इनका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमें फील्ड क्यू के कैरेक्टरिस्टिक के इक्वल होगा। अब चूँकि फील्ड क्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।